अपना ठिकाना याद कर। जरा मिलके बोलिए, बेखबर गाफल न बन, अपना ठिकाना याद कर। गूंज पा दो बेखबर गाफल न बन, अपना ठिकाना याद कर। भाई अज दा जुमा साढ़े सूबेदार हाजी अल्लाह रखा साहब, अज उन्होंने साले सुहा वास्ते उत चले गए ने, पैगाम की दे रहे ने, ते कोई बंदा चुप ना रवे। बेखबर गाफल अपना ठिकाना याद कर। बेखबर गाफल अपना ठिकाना याद कर। बाबा यादव नारिया साहब, गुजरे जो नाल माही दे, अरे वो जमाना याद कर। गुजरे जो नाल आका दे, अरे वो जमाना याद कर। और समीर भाई भूल के तू करके वादा, नाल अपने महबूब आल में लहूत वाला। पढ़िए ना, वादा पुराना याद कर। नौजवान का जरा हाथ बुलंद हो जावे, आल में लहूत वाला वादा, आलमे लहूत वाला वादा पुराना। जरा मिल के बोलो, आलमे लहूत वाला वादा पुराना याद कर। बेखबर गाफल न बन, अपना ठिकाना। अल्लाह ताला दी हमद सुना तो बाद प्यारे नबी अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया फखर अलंबिया शबे असरा के दुल्हा वाली कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात, जनाबे हजरत मुहम्मद मुस्तफा सारे बोलो सल्लल्लाहु सामने मुहतरम। अज अल्लाह ताला ने साडे ते फिर करम कीता, अपना फजल कीता कि असीं उहदी बारगाह विच हाजिर हो गए हां, क्योंकि साढ़े बुजुर्गवार सूबेदार हाजी अल्लाह रखा साहब इस दुनिया फानी तो अपना सफर तय कर चुके ने। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन साढ़े मस्जिद दे नमाजी और बड़ी मोहब्बत फरमान वाले, शफकत फरमान वाले, रब्बे काबा की कसम है, ये तो हाजी साहब गए ने ना, तुसी तारीख उठा के देखो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, मुस्तफा दे फरमान पढ़ो, सूफिया दी किताबां पढ़ो, जेड़ा आया है उन्हें जाना ही जाना में, वो अमीर हो अमीर हो जाए, गरीब हो जाए, बादशाह हो जाए, पीर हो जाए। और तवज्जो, मैं कुरान दे विचों चंद लफाज तलावत कीते ने जिन्हां दे आम आम सादा जिहा तर्जमा है वे। अल्लाह फरमांदा है, वमा हाज़िहिल हयातु दुनिया इल्ला लहु व लाइब। अल्लाह फरमांदा है, ऐ मेरे बंदियो, ऐ जिहड़ी दुनिया दी जिंदगी है ना, एक खेल ते इक तमाशा है। या अल्लाह, ये जिहड़ी दुनिया दी जिंदगी है, एक खेल तमाशा है, जिंदगी फिर है केड़ी है? बड़ी तवज्जो, जिंदगी फिर है केड़ी है? आवाज आई, व इन्नद्दारल आखिरत लाहिल हयवान,
फरमाया जिंदगी ते आखरत दी जिंदगी है ना या अल्लाह ते फिर जड़ी ए जिंदगी है फरमाया एक खेल वे तमाशा वे जिस तरह मैं एक मिसाल दे दवां जिस तरह तुसी बाजार चौक वेंदे हो बेआबाद हुंदा वे जो ही उत्थे कोई बंदा मैदारी करने वाला डुगडुगी उन्हें हाथ च पकड़ी हुंदी है इंज डुगडुगी वजांदा वे ते सारे लोग मोहल्ले दे जनाब दुकानां वाले इकट्ठे हो जांदे ने वो मैदान आबाद हो जांदा वे जो ही मैदारी खत्म हुंदी है ना तो डुगडुगी वजाण वाला फिर वापस टुर जांदा वे फिर मैदान बेआबाद हो जांदा वे ओदी कोई वक्त नहीं रहंदी ते अल्लाह दस रिहा लोगो वमा हाज़िहिल हयात दुनिया इल्ला लहु वलाइब ए लोगो ए दुनिया दी जिंदगी खेल ते तमाशा वे हजरत मुतशम अगर तवाडी तवज्जो होवे ते क्या बात है एक दिन मदीने दे आका मदीने दे वाली अपने सहाबा दे नाल ना इंज मदीने दी गली च जा रहे ने अपने बुजुर्गां दी तवज्जो ते मेरे आका ने ना एक बकरी दा ना मुर्दार बच्चा वेख्या इंज मरिया पिया ते मेरे नबी ने फरमाया हजरत गया जो किना बज सबर जमील अता फरमाए और अल्लाह ताला हाजी साहब की कब्र ते रहमतां दा नज़ूल अता फरमाए हर बंदे नूं पता सी कि हाजी साहब बाबा आज़म नारिया दे नाल अक्सर इधर आके सामने बहिंदे हुंदे सी ते आवाज़ सुणदे सी अल्लाह ताला उन्हां दा इत्थे बहना कबूल फरमाए और मस्जिद का जर्रा जर्रा गवाब जिथे बंदा बह जाता है हदीस पाक में अल्लाह ताला उन्होंने आखिर दी मंजिल आसान फरमाए हजरात मैं उस चीज से बहस कर रहा हूं करीमा का मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दे नाल जा रहे ने एक बकरी दा मुर्दा बच्चा वेख्या ते मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जी या रसूलल्लाह फरमाया वेख रहे हो ये की है हुजूर बकरी दा मुर्दा बच्चा है ते नबी पाक ने फरमाया कोई बंदा है वे जेड़ा इनू खरीदे तवज्जो कोई बंदा है जेड़ा इनू खरीदे ते सहाबा अर्ज करदे ने ए मदीने दे माहिया कोई बेवकूफ ही बंदा इनू खरीदेगा है भी मुर्दा वे कन्न भी कटे होए ने कौन खरीदेगा ते मेरे आका ने ना तलब के जुमला फरमाया फरमाया फिर सहाबा सुन लवो तुहाडे नजदीक जेड़ा इस मुर्दार बच्चे नु खरीदेगा वो बेवकूफ होवेगा वजह बुजुर्गां दी वो बेवकूफ होवेगा मेरे अल्लाह दे नबी ने फरमाया ए सहाबा सुन लवो तुहाडे नजदीक इस बकरी दे बच्चे दी बुकत कोई नहीं एदी कीमत कोई नहीं एदी इज्जत कोई नहीं फरमाया रब दी नजर विच इस पूरी दुनिया की वक्त ते कीमत इस बकरी दे मुर्दार बच्चे नाल भी थोड़ी जिस दुनिया के पिछे असी जनाबे अली जलीलो खार हो रहे हैं रुसवा हो रहे हैं अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे भैन भरावान असं दूर छोड़ने हैं दुनिया खरीदी जा रहे हैं ते मेरे आका फरमाते ने मेरे रब की कुदरत की नज़र दे विच इस दुनिया की हकीकत ते इहदी वक्त इस बकरी के मुर्दार बच्चे नाल भी थोड़ी है वजह की है इहदी वजह यह वे मेरे नबी ने फरमाया बड़ी तवज्जो मेरे नबी ने फरमाया ऐ लोगो जिस वेले बंदे उत्ते ओ फिर मौत दा वेला आ जांदा ना जिन्हें दुनिया खरीदी हुंदी है हर बंदे दी गल मोमन दी गल नहीं जिन्हें दुनिया खरीदी हुंदी है जिन्हें दीन नूं तरजीह नहीं दित्ती हुंदी असी नमाजियां दी गल नहीं कर रहे असी या नेकां दी या सूफियां दी गल नहीं कर रहे असी उहनां दी गल कर रहे हैं जिन्हां ने दुनिया खरीदी है हजरत मुतशम फिर मेरे आका इनामदार मदनी ताजदार दा फरमान है अली शान ने फरमाया फिर जदों उस बंदे उत्ते आखिरी वेला आउंदा ना ते फिर ओ जनाबी अली भैणां भी कोल खड़ियां ने वीर भी कोल खड़े ने ओदे वालदैन भी कोल खड़े ने जिहड़ा बंदा अपने जिस्म दे उत्ते जनाबे अली दुनिया ते मिट्टी नहीं पैन दिंदा अज आखिरी वेला बाबा जी आउंदा वे ओ बंदा वेंदा वे ते मैनूं कोई बचावे कदी उधर वेंदा कदी उधर वेंदा कदी उधर वेंदा आशक दी ते गल ही नहीं ना आशक दा ते दिल करदा वे किहड़ा वेला होवे मौत आवे मैं यार दा दीदार करां आशक दी गल नहीं ऐ उहनां लोकां दी गल वे जिन्हां ने जनाबे अली दुनिया खरीदी है अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे करीमा का मदीने दे ताजदार ने फरमाया फरमाया ओ जिस्म जिहड़ा दुनिया दे उत्ते बड़ा तरो ताजा वे जवान जिस्म है जिन्हें दुनिया खरीदी अपने मालक वल तवज्जो ही नहीं की जदों आखिरी वेला आउंदा वे मां भी कोल खड़ी है वीर भी कोल खड़े ने बाप भी कोल खड़ा वे हजरत मुतशम डॉक्टर भी जवाब दे दिंदे ने तबीब भी जवाब दे दिंदे ने हजरत मुतशम अज बंदा वेखदा वे फटियां निगाहां दे नाल वेखदा वे मेरे आका ने फरमाया
मरन वाले की कफियत इस तरह होंगी है जिस तरह एक बंदा पानी के अंदर डुबदा होंगे वे एक हाथ मार दे मैनू कोई बचा लवे मैनू कोई बचा लवे मेरे हाथ में कोई चीज आ जाए तक मेरी जान बच जाए मेरे आका ने फरमाया मरन वाला भी इंज लोग वल वेखदा है मैनू मेरा वीर बचा लवे मैनू मेरा बाप बचा लवे कोई डॉक्टर बचा लवे पर उस वेले कोई कम नहीं आता उस वेले कौन कम आता मियां साहब फरमाते ने तू बेली ते तू बेली ते सब जग बेली का मदीने दे ताजदार ने फरमाया उस वेले दा कोई बेली नहीं होवेगा अल मुक्तसर ओ जड़ा मोहल्ले दे विच बड़ा चौधरी होवेगा जिदे कोलो हमसाए भी डरदे होणगे जिदे कोलो सरकारी बंदे भी डरदे होणगे अज उस बंदे दी रूह निकल गई है ओदी रूह निकल गई है हुण हाजरा ते वी करो दी मां भी रो रही ओदे बेटे भी रो रहे ओदे पैना भाई भी रो रहे ने हजरत मुत्तशम थोड़ी देर तो बाद एक साइड तो आवाज आएगी हुण रोना बंद कर दवो हुण मेहमान भी आए ने मेहमाना ने वापस भी जाना वे ओ बंदा जरा जिस्म ते मिट्टी नहीं पैन दिंदा अज उस बंदे नु पकड़ के लोग फट्टे ते लटा दिंदे ने ओदे हाथ तो अंगूठी भी उतार लैंदे ने ओदे हाथ तो घड़ी भी उतार लैंदे ने ओदा जरा आला जिस्म हुंदा वे उस आला जिस्म नु कैंची दे नाल कट के उतार दिंदे ने करीमा का मदीने दे ताजदार ने फरमाया उस बंदे नु गुसल दिता जांदा वे गुसल दे तो बाद जिस वेले उस बंदे नु जनाबी अली कब्रिस्तान वाल खड़दे ने मियां ज़ुल्फ़िकार साहब हदीसे पाक विच आउंदा वे बंदा चीखा मारदा वे सारा उकतार लोंदा वे कहंदा मैनू मेरे घर तो जुदा ना करो मैनू किधर पे खड़दे हो मैनू ना खड़ाओ मेरे नबी ने फरमाया बंदा चीखो पुकार करदा वे सवाए जिन्ना तू ते जनाबी अली ते जानवरां तू ओदी आवाज कोई नहीं सुनदा ओ ज़ारो कतार रोंदा वे हाजरी ने मुत्तशम जिस वेले कब्रस्तान लै जांदे ने ओनू कब्र दे अंदर दफन कर दिंदे ने जिहड़ा सब नालों ज्यादा प्यार करदा वे इंज मिट्टी सब नालों पहला पांदा वे ज्यादा पांदा वे हत्ता कि ओदी कब्र बना दित्ती जांदी है फुल पा दित्ते जांदे ने हाजरी ने मुत्तशम फिर दुआए खैर कीती जांदी है ते कहंदे ने हुण तू जाने तेरा रब जाने या तेरे अमाल जानन तुसी कब्रस्तान जाके वेखो जेड़े बंदे महफलां दीआं रौणकां हुंदे रहे ने अज उत्थे पुछण वाला ही कोई नहीं अज दुआ मंगण वाला ही कोई नहीं ते मियां साहब कहंदे ने लप्पी बुप्पी इस दुनिया दी हकीकत लप्पी बुप्पी ओए मिट्टी पांदे कर देने ढेर उचेरा पढ़ दुरूद करानू आदे ते मुड़ नहीं पा साहब की कहने ने ओ जांदी वार डरावना बनियो तेनू हाथ नहीं लाते ओ डर दे जिन्ना लई तू ये पाप कमाए आज किथे नी तेरे कर हाजरी ने
दुनिया की हकीकत है वमा हाज़िहि الحیات الدنیا الا لهو و لعب। हाज़रीन मुतशम ए ईमान वालों की गल नहीं हो रही, ए उन्हां दी गल जिन्होंने दुनिया नु खरीदिया ते ईमान नु तरजीह नहीं दित्ती, मालक दी कम्मां नु तरजीह नहीं दित्ती। क्यों? मैं एक बुजुर्गां दे वास्ते बहुत बड़ी प्यारी गल पेश कर रहा। अल्लाह दे नबी ना हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम नु समीर भाई अल्लाह ने इन्ना माल दिता, इन्ना माल दिता 12,000 बकरी अता फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह, कितनी बकरी? बोलो मेरा ख्याल साढ़े बाजार में इस टाइम सब नालों जिहड़ा महंगा गोश्त है ना मेरा ख्याल बकरी दा ही। हाँ जी, बकरे दा ही। अल्लाह दे नबी नूं ना अल्लाह ने 12,000 बाबा जी बकरी अता कीती। अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना उन्हां दी रखवाली वास्ते 1,000 कुत्ता रखिया। बोलो किन्ना? सारे बोलो किन्ना? 1,000 कुत्ता रखिया बाहर जंगल दे विच। अल्लाह दे नबी दे कोल इन्ना माल आ गया, इन्ना माल आ गया कि हर पासे जिधर वेंदे ने सोना ही सोना, सोना ही सोना। ते पता अल्लाह दे नबी ने की कीता? ये नहीं कीता कि मैं उत्ते जनाब चोरी च रख लवां, ना ना। हजरते जी वकार तवज्जो दा तालब, अल्लाह दे नबी ने सोने दे हार बनाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोने दे हार बनाए। सोने दे हार बनाने तो बाद अल्लाह दे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हां हारां नूं कुत्तियां दे गलां विच पा दित्ता, कुत्तियां दे गलां विच पा दित्ता। लोग कहिंदे ने सोणिया सानू सोना लभदा कोई नहीं, तुसी सोने दे हार बना बना के कुत्तियां दे गलां विच पाई जांदे हो। चुगला सुनो ते ईमान ताजा करो। अल्लाह दे नबी इब्राहिम ने फरमाया ओए लोगो ए दुनिया दा माल जिथे सोना लगदा वे मैं उथे ही रखिया, चंगा लगदा है मैं उथे ही रखिया वे। फरूकी मस्जिद विच बैण वाले हो अल्लाह दे नबी ने सानू पैगाम दे दिता ओए लोगो इस माल दे पिछे ना पिया जे, ए माल मेरे रब नू पसंद कोई नहीं। इस वास्ते सहाबा फरमा दे ने एक दिन तुआदे ते मेरे नबी अज मिंबर ते बैठे ने, अज अपना हाथ हवा विच बुलंद पे कर दे ने, की कहंदे ने जा टुर जा, जा टुर जा। सहाबा कहंदे ने सुनिया अशारे किन्नू पे कर दे ओ, किन्नू कह रहे हो जा टुर जा, जा टुर जा। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा मेरे सामने सजी सजाई दुनिया आ गई, सजी सजाई दुनिया आ गई। मैं दुनिया नू कह रहा वा ऐ दुनिया जा टुर जा, जा टुर जा। मुहम्मद नू ओ पसंद वे जो मेरे अल्लाह नू पसंद वे। सारे बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। मुहम्मद नू ओ पसंद वे जो मेरे अल्लाह नू पसंद वे। मेरे नबी ने फरमाया मियां ज़ुल्फ़िकार साहब ऐ सहाबा अगर अल्लाह नू इस दुनिया दे नाल प्यार होंदा अल्लाह कदे भी नमरूद नू बादशाही ना देंदा, अल्लाह कदे भी हमान नू बादशाही ना देंदा, अल्लाह कदे भी फिरौन नू बादशाही ना देंदा, अल्लाह किसे काफर नू एक घुट पानी भी ना देंदा। जे अल्लाह नू इस दुनिया दे नाल प्यार होंदा ते फिर बाबा जी मेरा दिल करदा वे हजरत सुल्ताने बाहू ने इस दुनिया दी हकीकत पढ़ी है ते आप की कहंदे ने अद्दी लानत बोलो ना सुभान अल्लाह यार क्या बात। अद्दी लानत इस दुनिया उते ते पूरी दुनिया दारा हूँ जिन्ना रा मालक दे। नवाज साहब जिन्ना रा मालक दे खर्च ना की थी
ਲੈ ਸਣ ਗਜ਼ਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਹੂ ਪਿਓਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਕੁਹਾਵੇ ਇਹ ਪੱਠ ਦੁਨੀਆ ਮਕਾਰਾਂ ਹੂ ਜਿੰਨਾ ਤਰਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ओ मेरा मुर्शिद बाहू ओ ले सन बाग बहारा तो पढ़ा ना पता ना बड़ा मशहूर वाकया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर बोल यार सुभान अल्लाह आप ना सफर कर रहे हैं आप दे नाल ना एक ना उस सिखां दा बाबा गुरु नानक बड़ा मशहूर है बाबा जी दे नाल सफर पे करते ने ते बाबा जी फरीदुद्दीन गंजे शक्कर सरकार है ना एक खोपड़ी इंसानी खोपड़ी वेखी वो जो इमरान भाई इंसानी खोपड़ी वेखी ना ते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने ते उस खोपड़ी दी अख दे विच ना परिंदे चुंझा पे मार दे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने मंजर वेख्या ते बाबा जी बह के जारो कतार रोन लग पे गलत वजो वाली जारो कतार रोन लग पे ते बाबा गुरु नानक कहंदा बाबा जी इस खोपड़ी अल वेख के रोंदे क्यों ते बाबा जी ने पूछया ओए गुरु नानक तेनू पता है खोपड़ी किदी है अर्ज करदे ने हजूर दस देवो ए खोपड़ी की दी है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ने फरमाया ऐ गुरु नानक एक बादशाह दी बेटी दी खोपड़ी है एक वेला आयो सी ऐ बच्ची दी अखां दे विच इन्हां दी नौकरानी सुरमा पई पांदी है नौकरानी दे कल वे से बच्ची दी अख चुभ गई इन्हें अपने बाप अगे शिकायत कीती इहदा बाप बादशाह वे उहने उस नौकरानी नूं मरवा दिता उहनूं कतल करवा दिता जुमला मेरा ਸਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖ ਚੁੱਭ ਗਈ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦੇ ਚੁੰਝਾਂ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਹੂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਸਣ ਦੇ ਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਹੱਸਣ ਦੇ ਕੇ ਓਏ ਰੋਣ ਲਿਆਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਦਲਾਸਾ ਹੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਓਏ ਜ ਪਈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸਾ ਹੂ ਸੌੜੀ ਸਾਮੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਰਤ ਨਾ ਸਕੇ ਤੋ ਪਾਸਾ ਹੂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਤੀ ਘੱਟ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾ ਹੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਚੁੱਭ ਗਈ ਇਹਨੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਰਿੰਦੇ ਚੁੰਝਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਅੱਜ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਮੁਹਤਸ਼ਮ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆ ਗਈ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆ ਗਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਵੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ
या नबी अल्लाह दुआ करो अगे अल्लाह मैनू पुत्र देंदा है ते मेरे पुत्र मियां साहब फौत हो जाते हैं छोटी उम्रे फौत हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने हजरत नूह अलैहि सलाम नूं माई जरा दस तेरे पुत्र किन्नी किन्नी उम्र दे होके फौत होंदे ने। इमरान भाई जिगर आश करे तवज्जो। अल्लाह के नबी ने पुछया ना इन्नी गल ते माई बोल के कहंदी या नबी अल्लाह कोई मेरा पुत्र होंदा है 100 साल दा। आए है बोलो सुभान अल्लाह। इतने सुभान अल्लाह बनती है वैसे सुभान अल्लाह। कोई मेरा पुत्र 100 साल का होंगे कोई 200 साल का होंगे कोई 300 साल का होंगे तो फौत हो जाता है तो अल्लाह के नबी ने ना वह एक जुमला सुन के मुस्कुराए मुस्कुरा के कहते हैं अम्मा जी बड़ी गल है किसी की उम्र 100 साल किसी की 200 तो किसी क्योंकि उस टाइम उम्र बहुत बड़ी लंबिया ने। तुम तरीक उठा के देखो हजरत नूह की तबलीग है 950 साल। बोलो कि नहीं है तबलीग है 950 साल तो यार उम्र किन्नी क्यों हो गई है। हजरत आदम भी 1000 साल। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया माई परेशान ना हो लेकिन मेरा एक जुमला सुन ले हजूर हुक्म होवे। फरमाया तू तो कह रही है मेरे लिए दवा कर अल्लाह लंबी उम्र वाले पुत्र अता फरमावे। तेरे किसी पुत्र की उम्र 100 साल किसी की 200 साल किसी की 300 साल। फरमाया कियामत के करीब अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों कितनी उम्र देगा किसी को 60 साल 50 साल 70 साल हद 100 साल तो बाद किसी को उम्र ही नहीं मिलेगी। तो माई हाथ जोड़ के कहती है या नबी अल्लाह फिर वो लोग तो अपने मकान नहीं बनाएंगे अपने रहने वास्ते कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी हजरत नूह ने फरमाया उन्होंने उम्र तो थोड़िया होनगियां पर मकान महल बड़े 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 बनाएंगे पक्के बनाएंगे। उन्हां दा अकीदा ही मुक जाएगा कि असा दुनिया तू जाना भी है कि नहीं जाना। जिस वेले माई ने इन्नी गल सुनी आओ फरूकी मस्जिद विच बैठ वालियो मेरा पैगाम लै जावो। जिस वेले माई ने इन्नी गल सुनी तो माई रो के कहती है सोनिया जे मैनू पता होवे अल्लाह ने मैनू उम्र एनी क देनी है। सोनिया रब्बे काबा दी कसम है मैं सारी उम्र इको ही सजदे विच गुजार देवां मैं सारी उम्र इको ही सजदे विच गुजार देवां। ते फिर तुसां ओ भी वाकया सुनिया होवेगा जिस वेले अल्लाह दे नबी नूह अलैहि सलातो सलाम ने लोगों नूं बड़ा ही पैगाम दिता ओए लोगो ये जिंदगी खेल दे तमाशा वे आओ अल्लाह दे नबी दे हत्था ते हथ दे के बैत कर लवो आओ अल्लाह नूं इक मन लवो। हजरत मुतशम लोग नहीं पे मनते जुमले मेरे आखरी ने अगर तवज्जो होवे ते क्या बात है कोई लोग नहीं पे मनते। अल्लाह दे नबी नूं गुस्सा आ गया अर्ज की मौला 950 साल मैं तबलीग की है 80 बंदिया ने कलमा पढ़िया वे जरा तवज्जो मेरे वाल करिया जे मौला 80 लोगों ने कलमा पढ़िया वे जिन्हों के 8 मेरे घर वाले ने 72 लोग पार देने मौला ये कलमा पढ़ देनी। अल्लाह फरमाया मेरे नूह की चाहना वे अल्लाह के नबी नूह अलैहि सलातो सलाम अर्ज करते ने मौला इन्हों ते अजाब नाजल कर दे इन्हों ते अजाब नाजल कर दे। अल्लाह के नबी नूह अलैहि सलाम ने ऐलान कर दिता ओए लोगो अजाब आन वाला दे हुण बचेगा ओ बंदा जड़ा कश्ती विच सवार होवे बंदा जड़ा मेरी कश्ती च सवार होवेगा। जुमला मैं अपने बुजुर्गों लिए कह रहा वा फिर एक माई जड़ी कखां दी कुल्ली बना के अल्लाह अल्लाह पई कर दे सारे बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह कखां दी कुल्ली बना के मियां जुल्फकार साहब अल्लाह अल्लाह कर दी है हाथ जोड़ के कह दी है सोनिया जिदू आजाब आवे उस वेले मैनू भी बुला लिया जे मैनू भी कश्ती विच बिठा लिया जे। अल्लाह दे नबी नूह अलैहि सलाम ने फरमाया अम्मा जी ठीक है हाजरी ने मुतशम अल मुख्तसर तूफान आ गया अजाब आ गया रूए जमीन ते सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो गई है वही लोग बचे ने जेड़े अल्लाह दे नबी दी कश्ती विच सवार हो गए ने। जिस दिन जनाबे अली पानी खुश्क होया हजरत अजीब कर कश्ती जमीन ते ठहर गई अल्लाह दे नबी नूं ख्याल आया मैं ते माई नाल वादा कीता सी। जरा जवान हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह।
अल्लाह दे नबी नू याद आ गया, मैं ते माई दे नाल वादा कीता सी अम्मा जी तुहानू भी कश्ती विच बठावांगा। अज करीम आका मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो जुमला इतना बड़ा कह रहा वा, अल्लाह दे नबी नू अलैहि सलातो सलाम टुरदे 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 उस जगह ते गए ने ओ जिथे कखां वाली कुली है। बोलो यार, मेरा ख्याल उस कखां वाली कुली चो आवाज आंदी होवेगी, अल्लाहु दा आवाज आवे है कुली। ये कुलियां को आज दिया नहीं, बोल छोड़ो पिछले बंदे भी सुभान अल्लाह। जुमले मेरे आखिरी ने अल्लाह दे नबी ने कहा मैं तो वादा किया सी, हुण तवज्जो इना मियां सब तूफान आया, बड़े बड़े पहाड़ टह गए, बड़िया बड़िया बिल्डिंगा ते बड़े बड़े पहाड़ ते बड़े बड़े दरख्त सब तबाहो बर्बाद हो गए। जुमला इतना बड़ा जे तू ना बोले ते तेरी अपनी मौज है, पर जुमला इतना अल्लाह दे नबी नू ने वेख्या कि जिते बड़े बड़े पहाड़ टह गए ने ओ अम्मा दी कुल्ली बिल्कुल ठीक है। उची बोलो जरा पिछले बंदे, जिते इतना तूफान आवे ते महल तबाह हो जाए कुल्ली नू कख ना हो। अल्लाह दे नबी तवज्जो करिया जे, अल्लाह दे नबी नू अलैहि सलातो सलाम ना अंदर दाखिल होए कुल्ली दे ते माई फिर नमाज पई पढ़दी, माई नमाज तू फारग होई, फारग होने तो बाद कहंदी है सोनिया मेरे बड़े मुकद्दर ने अज मेरी कुल्ली दे विच रब दे यार दी आमद हो गई, नबी दी आमद हो गई है ते हाथ जोड़ के कहंदी है सोनिया इंज लगदा है जिवें अजाब आन वाला वे, जिवें तूफान आन वाला वे, फरूकी मस्जिद विच बैन वाले। जुमला बहुत बड़ा, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ए अम्मा तूफान आके टुर गया है, तूफान टुर गया वे ते हाथ जोड़ के कहंदी है सोनिया मैनू पता ही नहीं लग्या, मैनू इंज महसूस होया वे जिवें हल्की हल्की बारिश आई है, वड़ा की है वमा हादिल हयात दुनिया, ओना लोगा ने दुनिया वल नहीं वेख्या अपने मालक वल वेख्या। दुनिया वाल वेंदे रे, जिले दुनिया वाल वेंदे रे जलीलो खार तबा, अपना पुत्र भी सका विच आया, उठाओ ना सूरह नूर, वो भी जलीलो खार हो गया पर कखां वाली कुल्ली ठीक है। बोलो कखां वाली कुल्ली। फिर साडे बुजुर्गां ने आख्या ओही ना वेख, ओ वेला आ जावे तेरे सिर तू पानी लंघ जावे ते फिर तेनू याद आवे। ते फिर बूटा गुजराती आया गुजरात शहर दा, उन्हें एक बड़ी सोहनी एक दो किता लिखा, मैं बुजुर्गों लिए कह रहा। बूटा गुजराती ने फिर एवं नहीं आख्या मैं सुनिया पिया दे, जो नौजवान ने इन्ना मेरा साथ देना जरा है बुजुर्गों ने, मैं कह रहा और खुसूसन अज का जुम्मा साढ़े सूबेदार अल्लाह रखा मरहूम उन्होंने साले सुहाब वास्ते अं पढ़ रहे हैं तो जनाबे वाले बुजुर्गों की तवज्जो जरा नौजवान सुबहान अल्लाह की दाद देंगे तो की कहे मैं सुनया पिया दे देश अंदर ते बड़िया औखिया मंजलां ओ पारियां ने, एक कोठड़ी मिलनी है रैन बदले जिन्हों ना कोई बूहे ते बारियां ने, ते जड़े कहंदे सी मरांगे अल्लाह रखा जी, जेड़े कहंदे सी भाई खलील साहब जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अज ओ ना भी बाजियां ओ हारियां ने, जेड़े तरसदे सी तेनू राती आज ओना भी टोलियां पारियां ने, ते
चंज हंजवां दी टुक्की चंज हंजवां दी टुक्की आन वेड़े अंदर रूह दियां होण तैयारियां ने गल होर दी होर दी होर हो गई जदों खुलियां कफन दियां बारियां ने मैं किता पढ़िया ते जे उन्हां आखिया उम्मती बोल चलो यार सुभान अल्लाह मैनूं पता ठंड बड़ी है पर कोई दरवाजे बंद कीते ने तुहाडे वास्ते कुछ ही बोलो जरा सुभान अल्लाह अज वजदान सौण दी तरफों पैगाम पूरी दुनिया ते जा रहा वे अज फरूकी मस्जिद वजदान सौण दे जरिए ये पैगाम पूरी दुनिया नूं जा रहा वे मियां जुल्फकार साहब बाबा आजम नहरिया साहब हामिद भाई इमरान भाई वो पैगाम केड़ा वे जे उन्हां आखिया उम्मती नौजवान दे हाथ बुलंद हो जाए जरा सुभान अल्लाह जे उन्हां आखिया जे उन्हां आखिया जे उन्हां आखिया ना आखिया उम्मती है मेरा गला मुक गई फेर सारे हाथ उठा के आखो गला मुक गई फेर और सारिया ने मुहम्मद पुटिया मोहम्मद बूटिया कोई हाथों थले ना रहे मोहम्मद बूटिया झूठाई प्यार जगदा मेरे आका दियां सच्चियां यारियां मैं दुआ करांगा यार रब्बुल आलमीन अपने महबूब दे नलैंद सदका नबी दे केड़ा नबी दे हुसैन दा सदका अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजी साहब नू ओ जड़ी मुहब्बत इत्थे मस्जिद च नमाज भी वेखदे रहे हाँ जी तीन चार तकरीबन तीन चार महीने तो बाद आए मस्जिद च पता है कोरोने तो बाद सामने बैठे तो माशाल्लाह बड़िया मुहब्बत नाल सानू नवाज के गए और मेरे नबी दा फरमाने वाली शान सुनो फरमाया मोमन दा ते मछली दा अगर तुसी समझ गए हो मेरे गल है फरमाया मछली जड़ी पानी तो बगैर नहीं रहिंदी ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੂਮਨ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਤਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹਜ਼ਰਤ ਆਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਮਾਮ ਦਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਹਰ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜੁਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ मेरा ख्याल है ये हाजी साहब नू रब दे घर बहन दा सिला वेख अज सारे उन्हां लई दुआ कर रहे हैं ते कोई नौजवान दा हत्थ थले ना रवे ते सारे की कहांगे खुदी को कर बुलंद इतना खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है अल्लाह ताला मेरे कुआड़ी हाल दी पूछ और भाई सारे दोस्त बैठे रहो भाई जरूरी लान है मियां साहब की तरफों ना बेटी तरफों लान है कि इतवार वाले दिन बोलो केड़े दिन जोहर की नमाज तो बाद चूंकि रिश्तेदारी अपनी जगह से यह जो रिश्ता है ना एक क्यामत वाले दिन भी कायम रहेगा इंशाअल्लाह जोहर